आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर गाजीपुर से। कहा AIMIM बहादुरगंज यूनिट गाजीपुर उत्तर प्रदेश। AIMIM पार्टी ने बहन मनीषा वाल्मीकि हाथरस की बेटी के साथ हुए बलात्कार व हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपियों को फांसी देने की मांग की। हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर और आजमगढ़ में रेप की घटनाओं के बाद AIMIM यूनिट सड़कों पर है। नौशाद खान जिला अध्यक्ष यूथ ने मांग की है आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द रेप केसों के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट खोला जाए। वहीं AIMIM कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद दानिश अंसारी ने कहा कि अगर इसी तरह बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया और सरकार की तरफ से कोई कानून नहीं बने तो अवाम के अंदर डर पैदा होगा और अवाम अपनी बहन बेटियों को प्रदेश या घर से दूर शिक्षा ग्रहण करने नहीं भेज पाएगा, जिससे समाज के अंदर महिलाएं अशिक्षित होकर रह जाएंगी। अगर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अमल करना चाहती है तो सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। वहीं शाह फैसल ने कहा कि कहां गए योगी जी के कथन, हर चौराहों पर बलात्कारियों का फोटो लगाने वाला, कब लगेंगे बहन मनीषा के कातिलों के फोटो। योगी जी शर्म करो, फोटो फोटो खेलना बंद करो और बलात्कारियों के फांसी की सजा वाला कानून भवन से पास कराओ। देश और एजुकेशन और बहन बेटियों की रक्षा और हेल्थ के लिए सोचना चाहिए और जाति मजहब धर्म से दूर हट। गाजीपुर से नसीम खान की रिपोर्ट।